जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि MI A3 के अंदर कैमरा गो नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हूं। गूगल कैमरा का एक लिमिटेड वर्जन है, इसके अंदर आपको कोई ज्यादा एक्सटेंशन देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ मिनिमल बहुत काम का चीज देखने को मिलता है जो कि आपको आज उजल यूज होता है। सिंपल आप एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। 9 MB के अंदर आपको एप्लीकेशन का मेमोरी है। आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके एप्लीकेशन इन्फो में आप जाके भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए फीचर्स जो है आपको वर्जन जो है आपको 1.00 फीचर्स देखने को मिल जाएगा। ये जो है आपको कैमरा गो यानी कि गूगल कैमरा का एक छोटा वर्जन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप टैप करोगे तो आपके सामने पोर्ट्रेट, फोटो और वीडियो और साथ में एक ट्रांसलेशन जो कि गूगल ट्रांसलेशन फीचर आपको देखने को मिलेगा। ये काफी बढ़िया है और ये सिंपल वे में आप यूज कर सकते हैं 3-4 फीचर्स को, और ये जब भी यूज होता है ये परफेक्टली यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप अपने हिसाब से सेटिंग्स भी जा सकते हो, इसके अंदर सेटिंग्स वगैरह भी ठीक ठाक सा है, कोई मेजर फीचर्स आपको हाई लेवल में नहीं है। आप यहाँ पे HDR ऑन करके फोटो वगैरह यूज कर सकते हो, पोर्ट्रेट फोटो और बैक फोटो ये सब आप यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया सा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल यहाँ पे वीडियो शूट हुआ है, वीडियो शूट आप देख पा रहे हो। आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हो, जैसे हमने फोटो लिया है तो मैक्रो शॉट लिया है और मिनिमम जो पोर्ट्रेट शॉट है इसको थोड़ा बढ़ा करके सेट करके लिए है, जूम करके आपको ले सकते हैं। ये वीडियो क्वालिटी है, मुझे वीडियो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं लगा, बहुत अच्छा है और मिनिमल कैमरा है, आप इसको पार्ट कैमरा यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसके अंदर एक अल्ट्रा जूम टाइप का मुझे देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए डॉग सोया हुआ है यहाँ पे, तो ये डॉग है यहाँ पे, तो सेकंड फोटो में देखिए ये सिंपल इसी को मैंने जूम करके लिया हूं तो इसका फोटो कितना बढ़िया आया है, और लगभग इसका फोटो के मामले में भाई साहब क्या बताऊं, बहुत बढ़िया फोटो आया है। आप सिंपल ओपन मिनिमल जो नॉर्मल कैमरे के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया फोटो लेके आता है। अगर मैं सिंपल वे पे यहाँ पे एक फोटो के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे एक मैग्नीफिशर फीचर देता है, आप यहाँ पे मैग्नीफिशर करके यूज कर सकते हैं। सिंपल वे में मैं इसको एक छोटा सा कोई चीज को उसको आपको दिखाऊंगा, जैसे ये चीज है इसका मैं आपको एक सिंपल वे में दिखा देता हूँ। नॉर्मल फोटो आप देख रहे हो ऐसा, और मैं इसको यहाँ पे पूरा बढ़ा करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे दोनों के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि फोटो है ना। इसके अंदर एक अल्ट्रा जूम है जो कि आप अपने हिसाब से जूम करके यूज कर सकते हो। मुझे काफी अच्छा लगा और ये फीचर्स जो है मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि MI A3 के अंदर आप यूज कर सकते हैं बहुत बढ़िया आसानी से। ये इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का वो नहीं आता है जैसे आपको लगेगा कि इसके अंदर कुछ दिक्कत है जो कि सही तरह वर्क नहीं कर रहा। मैंने अपनी फोटो एक लिया था फ्रंट में, तो आपको मैं दिखा देता हूँ प्रोटेक्ट में जो फोटो लिया था इसके अंदर, आपको यहाँ पे फोटो में दिखाता हूँ। फोटो के अंदर आपको बैकग्राउंड में भी अच्छा खासा ब्लॉर किया है, कोई फर्क नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ब्लॉरिंग इफेक्ट सही नहीं है इस कैमरा में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं इसी तरह आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो लेके आता हूँ। और बस ये था आज के वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।